सो हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही तहलका वाले वीडियो लेकर के आ चुका हूँ और मैंने क्या सब मंगवाए हैं, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, मीशो और कुछ भी हो, मैं मंगाया और क्या सब लिया हूँ आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। और किसमें क्या है, क्या सब मंगवाए हैं, आप सबों को इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके दिखाने मिलते हैं। मेरे साथ देख सकते हो, ये सारा इतना सारा मैंने अभी तक खरीद लिया, वो भी हैदराबाद में आकर के। अब मैंने कहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ वो बता रहा हूँ। देखो इधर जंगल है, इधर घुमाइए थोड़ा, देखिए कितना जंगल सारा है, घुमाइए घुमाइए, देखिए इतने सारे पूरे जंगल। तो इतने सारे मैंने ये लिया हूँ, तो आप देख सकते हो ये हैं, ये हैं, ये हैं, और तीनों चीज़ में क्या सब हैं वो बताऊँ मैं। सबसे पहले जो लिया था ये लिया था साइकिल अपनी देसी वाली, और इसका नाम देसी वाली इसलिए कि मेरा यूट्यूब चैनल का भी नाम है देसी ब्लॉग वाले। तो आज के इस वीडियो में पूरा चीज़ के कंप्लीट जानकारी देने वाले, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, और थंबनेल को तो देख ही लिया होगा क्या सब है। तो जल्दी से इसको फास्ट में इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं और किस में क्या रहते हैं वो आपको हम जरूर दिखाते हैं। तो देखिए मैं इसको खोलने के लिए मैं कुछ लेके आया था, तो मेरे पास है ये बलेट और इस बलेट से मैंने फर्स्ट टाइम अनबॉक्सिंग करने वाले। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे किसको, इसको, और इसमें क्या रहता है आपको दिखाएंगे और इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। अब मैं बता दूँ कि मैंने एक लेंस मंगाया था, एक चेस्ट माउंट होता है साइकिल पे ब्लॉगिंग करने के लिए वो मंगाया हूँ, और तीसरा ये जो हेलमेट में लगा रहता है वो मैं मंगाया हूँ, वो भी ट्राइपॉड है। और सबको बारीकी बारीकी से दिखाऊंगे कौन क्या है, किसमें क्या है, लेकिन मेरे को इसमें लगता है कि फर्स्ट टाइम मैंने लेंस को ओपन कर रहा हूँ, बाकी क्या रहता नहीं, अपना देसी जुगाड़ है ये बलेट। इस बलेट से मैंने क्या करता है इसको ओपन कर, आप तो दिख रहा होगा मेरा इधर क्या है लेंस है, देख सकते हो, और इसको मैंने फुल ओपन करके मैं दिखा देता, देखो वाओ, ये इधर रखने के बाद देख सकते हो कि ये है आपका लेंस, देख सकते हो गाइस उधर ही रहो, ये है आपका लेंस और इसमें क्या है मेरा अपना लेंस, देख सकते हो, और इसका काम भी बताऊंगा क्या काम करता नहीं, लेकिन बाकी ये क्या है आपका लेंस। चलो अब इसको हम क्या करते हैं रखते, और दूसरा है क्या आपके सामने ये, और इसमें क्या रहता है अभी मैं दिखाने वाला हूँ। ये आ गया अपना, इसको करते हैं खींचूँ, और ये क्या है आपका देख सकते हो, आपका इसके अंदर में गाइस देख सकते हो ये है अपना चेस्ट माउंट, नहीं है इसमें, इसमें क्या है वो जो हेलमेट में जो लगाते हैं ना वो है, देख सकते हो ये जो हेलमेट में लगाते हैं वो वाले हैं अपना, देख सकते हो ये जो हेलमेट में जो लगाते हैं ना, तो ये क्या होता है मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए ये बेस्ट होता है, इसीलिए ये मैं मंगवाया था, इसके साथ ये भी दिया है देख सकते हो। और जिस चीज़ को यूज़ करेंगे तो बारीकी से आपको हम दिखाने वाले हैं कि कौन चीज़ क्या है नहीं है, तो आप लोगों को, और फर्स्ट और लास्ट आ गया आपको मंगाया हुआ ये है, और इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, इसमें क्या रहता है नहीं रहता है करने वाला है इसको पूरा फुल्ली ओपन। इसमें जो साइकिल का जो मेन पार्ट है, जो मेन चीज़ है ये है आपका भाई, देख सकते हो वाह, सबसे जो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो है ये है भाई, ये सा ये क्या है आपको देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो गाइस इसमें पैकिंग है, ये क्या है चेस्ट माउंट देख सकते हो, और अभी भी इसको ब्लॉगिंग करके भी दिखाऊंगा, ये क्या है चेस्ट माउंट जो इधर लगा करके ब्लॉगिंग कर सकते हो, और इसमें कुछ और भी चीज़ दिया हुआ है जो अभी मैं रिव्यूल करके दिखाता हूँ, ये है आपका इसको सेट करने के लिए चेस्ट माउंट। तो ये सब हम आपको दिखलाएंगे बाद में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें जो मेरे को प्राइज कम से कम 2500 का अप्रोक्स में ये तीन सामान मंगाने मेरे को 2500 रुपीज़ का मेरे को लगा था, और मैंने क्या किया तो जल्दी में मतलब तीन दिन के अंदर में ये आ चुका था, मतलब 10 दिन 15 दिन का टाइम लिया था, लेकिन तीन दिन के अंदर में मैंने मंगवाया, तो उसमें क्या हुआ था 150-150 रुपया का पर डे पर मेरे को ज़्यादा पड़ गया था, और वो जो माइक मंगाए थे वो मात्र 49 रुपया का था वो ऑफर के, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा थी, तीन चीज़ मंगाने में 2500 के चुना लग चुका। आई होप को आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हम दिखाते हैं, और ये है क्या है अपना साइकिल, देख सकते हो अपनी देसी वाली। इस देसी वाली को ख़रीदने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था, ये सब तो ऑनलाइन किया आ गया, लेकिन इस देसी वाली को ख़रीदने में मेरे को लगभग
15 दिन के अप्रोक्स में लगा था, क्योंकि देखो इसको मतलब अपने बिहार में नहीं, हम हैदराबाद में, और हैदराबाद में क्या हुआ कि पता नहीं चल रहा था कि किधर जाए उधर जाए। बाकी घूमते घूमते एक दिन ऐसा हुआ दोपहर को मैंने एक चाय वाले के पास गया, लेकिन चाय वाला कहाँ का था, झारखंड का, और झारखंड मैं उसको बोले भैया मेरे को एक साइकिल होना, तो बोले हाँ, तो दो तीन दिन में ऐसे ऐसे दौड़ाते दौड़ाते मेरे को एक साइकिल हुआ। ये साइकिल को जो प्राइज है अप्रोक्स में खर्चा हुआ, लेकिन ये खर्चा हुआ तो इस साइकिल में मैंने दो जने हैं ठीक ना, तो इसमें थोड़ा कम पैसा लगा हुआ। और ये क्या किया, आप लोगों को इंटरटेनमेंट करवाने के लिए जो वीडियो बनाते हैं ब्लॉगिंग करते आप लोगों के लिए मैंने ये सब लिया। और यहाँ के जो क्या नेचर रहता है, अभी देखो पूरा सुनसान जगह, और यहाँ के बाद ना रास्ता भी एंड हो चुका है। और पिछले वीडियो में तो मैं बताया था इसको जो रिव्यू किया था इस साइकिल को, तो पिछले वीडियो में बताया था कि इसके बाद रास्ता एंड है, तो जो पूरा वीडियो देखा होगा उसको पता होगा। तो इधर पूरा जंगल झाड़ है, उस जंगल झाड़ में मेरे को वीडियो बना, और इधर से थोड़ा ही दूर लगभग 100 मीटर उधर ही क्या किया था, एक बमा टाइप के मतलब घेर दिया था कि इधर नहीं था, लेकिन मेरे को वीडियो बनाना, अगर उधर कोई आ भी जाता तो मेरे को डिस्टर्ब होता, इसीलिए मेरे को इधर रिक्स ले करके आना पड़ता, लेकिन इधर परमिशन आने का नहीं है, तो चोरी छुप के मैंने इधर आ चुका है। बाकी आई होप को आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा होगा तो लाइक करना, एंड हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि लेंस कैसा काम करता है, और ये जो चेस्ट माउंट होता है वो कैसे सेट करते हैं, और इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या कर सकते हैं इससे, साइकिल पर वीडियो कैसे बना सकते हैं, और कैसा आगे का जो व्यू आता है वो वीडियो बताएंगे। तो आई होप का इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, आई होप को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करना, क्योंकि आज आपका भाई आपसे क्या करना है, कंटिन्यू वीडियो बनाना है। बाकी बाकी आपको एक बता दूँ, एक पोपट और हो रहा है कि मेरे नेक्स्ट मंथ क्या है, मेरे गाँव में मेरे जो मैं स्टडी कर रहा हूँ उधर मेरे को एग्ज़ाम है, हो सके तो इधर से जा भी सकता है, लेकिन मेरे को 10 से 15 दिन टाइम मिला है अभी घर जाने के लिए। तो इसमें क्या करता मैं, जितना कवर हो सके जिस जगह रहता जितना कवर हो सके उतना मैं दिखाने का प्रयास कर सकता हूँ। हो सके कि दिन में दो भी वीडियो आ सकता है और एक भी वीडियो आ सकता है, तो रहते हैं और आगे को दिखाते हैं अगला वीडियो। बाय, टाटा, सी यू।